again. Redskin. वेल हेलो दोस्तों, मेरा हाथ में ये है जियोन इंडिया की तरफ से आने वाला जियोन कंपनी का वेबल एस कैमरा गिम्बल। नाउ अगर आज की डेट में अफोर्डेबल गिम्बल की बात करें जो कि 20 से 25,000 रुपए के रेंज में हो, तो हमारे जहन में दो नाम निकल के आते हैं। पहला है हमारे जियोन कंपनी की तरफ से आने वाला जियोन का वेबल एस कैमरा गिम्बल और दूसरा है DJI की तरफ से आने वाला DJI का रोनिन SE। दोनों ही गिम्बल्स अपने आप में भाई चीज है और दोनों ही अगर ब्रांडिंग की बात करें दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैटर डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट के ऊपर आप किसके तरफ जाना चाहते हो। वेल अगर मैं बात करूं तो मैं इसको 2 से 2.5 महीने से यूज और आज मैं इस गिम्बल का जेन्युइन रिव्यू आपके सामने पेश करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने मूड बना लिया 2023 में गिम्बल परचेस करने का, कंफ्यूज हो कि DJI का रोनिन SE ले या फिर जियोन का वेबल एस ले, तो इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको सही में समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैमरा गिम्बल आपको परचेस करना चाहिए। और हाँ, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं और ना ही ये चैनल मेरा कोई टैग चैनल है, मैं एक ब्लॉगर हूँ। हाँ, बट मैं इन सब चीजों को यूज करता हूँ तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इसके ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए, तो मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना ये पॉइंट छूट गया फिर वो पॉइंट छूट गया। चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स को अगर हम कुछ बाहर से देखें तो इस तरह से इन लोगों ने एक अपनी बॉक्स की ब्रांडिंग कर रखी है और उसके ऊपर जो ये चीज है इसे इन लोगों ने एज अ कैरी बैग यूज करने को दिया हुआ है, विच इज नॉट गुड, जो कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ये लोग अंदर एक केस भी दे सकते थे। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, एक और बॉक्स जो कि इसकी बात करें तो ये हार्ड फोम मटेरियल से बना हुआ है। अगर कंपनी वाले ने इसके साथ अगर एक कुछ ग्रिप टाइप से अगर हमें प्रोवाइड करा दिया होता तो जिससे हम इसको कैरी कर सकते थे, और कंपनी वालों ने हमें साथ ही साथ में हमें कोई भी पाउच या फिर कैरी बैग नहीं दिया है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है इस चीज को कैरी करने के लिए। वेल बॉक्स को ओपन करते हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इस तरह का हमारा होता है ये फर्स्ट लुक गिम्बल का। तो ये हमारे गिम्बल का फर्स्ट लुक। वेल इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद बॉक्स में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक ये ट्राइपॉड लैग। अब ये काफी ज्यादा यूजफुल है आपके गिम्बल को स्टैंड करने के लिए, कुछ इस तरह से ये खुल जाता है। उसके साइड में आपको यहाँ पे एक लॉक देखने को मिलता है जिससे कि ये आपके गिम्बल के साथ आसानी से अटैच रहेगा। इसको साइड में करते हैं। उसके बाद हमें इसी में देखने को मिल जाता है, अब यहाँ पे हमें दो बैटरी प्रोवाइड करा दी, अभी लिथियम आयन बैटरी है और इन एक बैटरी का एमएच 2600 mAh। इसकी बैकअप की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है 10 से घंटे ऊपर, लेकिन हाँ 7 घंटे प्रॉपर चल जाता है, 7 घंटे बहुत होता है आपको काम निकालने के लिए। इसको मैं साइड करूंगा। अब इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिल जाता है, इस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है ये क्विक रिलीज प्लेट के कुछ ये नट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, जो कि आपको अगर खो जाती है तो आपको आगे मांगने नहीं पड़ेंगे किसी से, अभी परचेस करने नहीं पड़ेंगे। और उसके साथ हमें इसमें देखने को मिल जाती है बहुत सारी केबलें। अब इन केबलों को आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइप सी है तो आप टाइप सी से यूज कर सकते हैं। और भी काफी सारी केबल है, मतलब सारी केबल यहाँ पे इन लोगों ने प्रोवाइड करा दी है, विच इज गुड, जो कि एक अच्छी बात है। अब हमें कोई भी केबल बाहर से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केबलों का क्या काम है इसका मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको हम साइड करते हैं। उसके बाद हमें बॉक्स में और क्या देखने को मिलता है, बॉक्स में हमें देखने को मिलता है एक ये चार्जर। अब ये कॉम्पैक्ट सा चार्जर है, काफी अच्छा है, मतलब ये हल्का सा चार्जर है और ये लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो कि ठीक है, हल्का है, मटेरियल भी ठीक ठाक यूज किया है कंपनी वालों ने, विच इज गुड एंड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद इसमें हमें देखने को मिल जाता है इस गिम्बल की मेन चीज जो है इसका भाई, ये क्विक रिलीज प्लेट जिसके ऊपर आप अडेप्ट करके अपने कैमरा को अपने गिम्बल से अटैच करेंगे, कुछ इस तरह से ये दिखती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे किस तरह से यूज होती है। तो ओके गाइज, अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की यानी कि हमारे गिम्बल की। तो गिम्बल का फर्स्ट लुक कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। इसकी जो ऊपर ये जो तीन मोटर है ये हार्ड मटेरियल से बनाई गई है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, क्वालिटी में इन लोगों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और जैसे कि आपको पता है कि ये 3-axis गिम्बल है तो इसमें 3 मोटरें होनी भाई कंपलसरी है, 1, 2, 3, तभी इसको आप अच्छे सिनेमेटिक शॉट निकाल पाएंगे। नीचे की तरफ ये जो एरिया इन लोगों ने दिया है ये एरिया हमारा प्लास्टिक से बना के दिया हुआ है, और यहीं पे हमें एक छोटी सी LED स्क्रीन मिलती है, इसकी जो स्टिक मिलती है, और ये सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे एक और कंट्रोलर मिलता है। साथ में हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन, POV का बटन हमें मिलता है जिससे हम अपनी गिम्बल कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो चीजें, ये फोकसिंग मोटर है, अगर इसका एक कॉम्बो आता है फोकसिंग, अगर उस चीज को आप परचेस करोगे तो गिम्बल आपका महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल गिम्बल है। अब बात करते हैं DJI के रोनिन SE से कितना ज्यादा अच्छा है। तो गाइस ये तो बात होगी भाई गिम्बल की, अब बात करें मेरे ओपिनियन की कि भाई इस गिम्बल को यूज करना क्यों ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू DJI के रोनिन SE से, क्योंकि दोनों के प्राइस लगभग सेम ही होते हैं। तो भाई देखो, बात करें मेरे ओपिनियन की तो सबसे बड़ा जो पॉइंट प्लस पॉइंट है वो है इसका भाई पेलोड। इसका जो टोटल पेलोड है वो है 3 kg, वो जो DJI का रोनिन SE है उसका पेलोड टोटल 1.5 kg।
मान लो कि अभी मैं इस पे अगर मेरे को सीखना है तो भाई मैंने कोई इस पे मिररलेस कैमरा यूज कर लिया, लाइक कैनन का M50 हो गया, M50 मार्क 2 हो गया, 200D हो गया, और भी निकोन के Z30, Z50 हो गया। ये जो कैमरा है 1.5 किलो से नीचे आते हैं, उसका आप इस पे यूज करके अपनी वीडियोस को सिनेमैटिक स्मूथली बना सकते हो। अब वहीं अगर मैं बात करूँगी आप सीखने के बाद, अगर मैं सोनी का अगर मेरे को जी मास्टर पे लेंस पे कोई A7III यूज करना है, तो उस केस में आप DJI का Ronin SC यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका टोटल पे लोड भाई 1.5 kg का ही है और इसका 3 kg का है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर 3 kg वाला अगर आपको गिम्बल चाहिए जिसको जो 3 kg का मतलब वेट कैरी कर सके, तो उसकी आपको प्राइस टोटल 40 से 45 हजार रुपए अप्रोक्स आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आपको सिर्फ इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है इस गिम्बल का। दूसरा जो सबसे प्लस पॉइंट हुआ है इसकी भाई वारंटी, 2 साल कंपनी वारंटी देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसके सर्विस सेंटर्स इंडिया में अवेलेबल भी है। जब मैं इसको शुरुआत में जब मैं इसको सीख रहा था, तो भाई मेरे से इसके कोई नट वट ढीले हो गए थे, इसको मैं करोलबाग लेके गया, वहां मैंने इसको रिपेयर करा के लिया फ्री में, भाई बंदे ने रिपेयर करके दिया और काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी। वही अगर मैं बात करूँ DJI के प्रोडक्ट की, भाई काफी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उनके सर्विस सेंटर मोस्टली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल भी है तो बहुत हैवी सिटी में, लाइक बैंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया, अगर है भी तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देख के चलनी पड़ेगी। मान लो गिम्बल आप यूज कर रहे हो, भाई कोई ये एक ऐसी चीज है कि इसको यूज करने में भाई बिगनर हो तो छोटी मोटी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, बाई डिफॉल्ट कुछ खराबी आ गई तो उसके लिए भाई आपको सर्विस सेंटर विजिट ही करना पड़ेगा, तो जो कि आपको जीवन इंडिया प्रोवाइड कराती है, और भाई DJI का मेरे को पता नहीं है भी कि नहीं है, बल्कि मैंने सर्च किया तो भाई मुझे नहीं मिला। और इसका एक और प्लस पॉइंट की बात करिए, मान लो कि बिगनर ऐसे गिम्बल को यूज कर रहा था, इसको सबसे बड़ा टास्क होता है उसको बैलेंस करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है, लेकिन यहाँ पे जीवन वालों ने इसमें एक चीज दे रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने एक लॉक दे दिया, एक लॉक यहाँ पे है, एक लॉक ये देखो एक लॉक यहाँ पे है, ठीक है, और एक लॉक यहाँ पे, यानी इन लॉक को यूज करके आप अपने कैमरा को इस पर अडेप्ट करके गिम्बल को काफी आसानी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, जो कि DJI के Ronin SC में नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। तो इसीलिए गिम्बल अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छा फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और एक बात और करूँ भाई, इसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा कमाल का है, कंपनी कहती है 10 घंटे, कि 10 घंटे भी चलेगा अगर आप इसमें नॉर्मल कैमरा यूज करते हो, तो अगर आप हैवी कैमरा यूज करते हो तो फिर भी आपको 7 घंटे का बैकअप निकाल के देगा, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है, भाई बैटरी काफी ज्यादा अच्छी चलती है, और भाई इसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप इसको परचेस करो, लेकिन हाँ जो बातें मैंने आपको बताई है छोटी छोटी बातें, इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि यार 20-25 हजार रुपए अगर आप खर्च करने जा रहे हो तो कोई एक अच्छी सी चीज पे खर्च करो, मेरा तो कहना यही है। तो ये मेरा ओपिनियन था, बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। DJI का Ronin SC उसका भी लिंक मैं उसके अंदर डाल दूंगा, आप उसको वहां से भी परचेस कर सकते हो। टेस्ट के ऊपर बात है कि आप कौन से ब्रांड के साथ स्विच होना चाहते हो, बाकी ये भी गिम्बल बढ़िया है, वो भी गिम्बल मेरे किसी फ्रेंड के पास है, वो भी उसको यूज करते हैं, वो भी गिम्बल काफी अपनी अपनी जगह पे अपने हिसाब से बढ़िया परफॉर्म करते हैं। बाकी बस यही था आज का मेरा रिव्यू, वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल्सो शेयर भी कर देना। देखो भाई गर्मी कितनी हो रही है, देखो गर्मी भाई, मैं गर्मी में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, करा सकूं। तो बस आज की वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर देना।